Welcome dear students. Greetings of the day. Myself Ankur Sharma, Assistant Professor Horticulture. Today I will discuss about Burmi Compost Production and Practices. So first of all, I want to clear something. Today I am suffering from viral infection. so my throat is not working properly. so you please kindly cooperate to within two or one or two days. <coughs> lekin boys aapko fir bhi samajh mein aayegi कि चलिए हम start करते हैं कि बर्मी कंपोस्टिंग is a method of preparing enriched compost with the use of earthworms. बर्मी कंपोस्ट वाकई में आज के इस ट्वेंटी वन सेंचुरी के एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें बर्मी कंपोस्टिंग की तो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट बन के उभर के आया है क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं हर एक अप्रोच आज इंटीग्रेटेड हो गई है चाहे हम इंटीग्रेटेड बीड मैनेजमेंट की बात करें इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें इंटीग्रेटेड न्यूट्रेंट मैनेजमेंट की बात करें इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रेंट मैनेजमेंट की बात करें हर एक चीज को इंटीग्रेशन से जोड़ दिया गया है कारण यह है कि आज का किसान जो हमारा प्रोडक्ट हमको मिल रहा है ना उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू देख रहा है कि इसका पोषणीय महत्व तो क्या रहेगा वो केवल इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ हजार्डस फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स को यूज करके उसकी ईल्ड को बढ़ाना चाहता है मतलब प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी उसको बढ़ानी है लेकिन वो उस प्रोडक्ट के न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता ईल्ड वीट की एक बीघा में बीस से पच्चीस कुंटल होनी चाहिए ऐसा वो एज्यूम किए हैं लेकिन होती तो चार से छः कुंटल है वो एज्यूम इतना किए हैं और उस हिसाब से वो इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स को डाल रहा है इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऐसी जगह पे हमारे बर्मी कंपोस्ट, बायोफर्टिलाइजर्स ग्लूग्रीन एल्की एजोस्पेरम है ना वस्कुलर और वस्कुलर माइक्रोराइजा फंजाई ये सब चीज़ें एक सब्सटीट्यूट के तौर पे आई हैं और सब्सटीट्यूट के तौर पे आने में इन्होंने अपना बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है जो कंट्रीब्यूशन हमारी इकोलॉजी से लेकर नेचर तक सब में है तो बर्मी कंपोस्टिंग एक बहुत बड़ा विषय है और आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट भी है जहाँ लोग केवल उत्पादन के लिए रासायनिक और कार्बनिक रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं तो बर्मी कंपोस्टिंग इज अ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग बर्मी कंपोस्टिंग एक मेथड है प्रिपेयर करने का बनाने का इनरिच्ड कंपोस्ट जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में जो है पोषक तत्व विद्यमान हो कंपोस्ट विद द यूज ऑफ अर्थ पम्प्स की मदद से हम इनरिच्ड कंपोस्ट को तैयार करते हैं उसको हम बर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं आपने बर्मी कंपोस्टिंग की विधि अपने आईटीएम टी में भी देखी होगी जैसे ही हम विक्रम साराभाई ब्लॉक में एंटर करते हैं नीम बीतिका आपने देखी होगी नीम बीथिका में बर्मी कंपोस्टिंग और बर्मी वास की यूनिट बनी हुई है उस बर्मी कंपोस्टिंग में चारों तरफ से सीमेंटेड चारों तरफ से सीमेंटेड बॉल बनी है उसमें पर्टिकुलर एक स्पेस है लगभग एक से एक से दो मीटर का जिसमें हम गोबर की खाद को भरते हैं ड्रेनेज का भी उसमें पूरा सिस्टम बनाया गया है जिससे जो हम पानी डालें तो जो एक्सेस वाटर हो जो एक्सेस वाटर हो वो ड्रेनेज उसका ड्रेनेज होता रहे उसका जो है स्टैगनेशन ना हो इससे क्या है कि अर्थवाम्स की डेथ हो जाती है क्योंकि हमको गोबर के खाद जो हमने डाली है एफ जो हमने डाली है हमें उसको ही मॉइस्चर देना है क्योंकि जब हम उसको मोइस्चर देंगे तो उसी से अर्थबाम जो है अपना पानी लेते रहते हैं तो मैं एक प्रैक्टिकल ओवरव्यू वहाँ का बता रहा था कि आप लोगों ने उस बर्मी कंपोस्टिंग यूनिट को जरूर विजिट किया होगा बर्मी वॉश यूनिट भी है जैसे हम बर्मी वॉश भी बनाते हैं बर्मी कंपोस्टिंग यूनिट भी अपनी एग्रीकल्चर में है क्योंकि जो हम करके देखते हैं वो चीज हमें बहुत जल्दी याद होती है उसको हम बहुत जल्दी सीखते हैं और जो चीज हम पढ़ के देखते हैं वो चीज उतनी जल्दी हमको याद नहीं होती उस चीज को बहुत जल्दी हम नहीं पकड़ पाते तो ये सब चीज है इट इज वन ऑफ द इजिएस्ट मैथड टू रिसाइकिल एग्रीकल्चरल बेस्ड एंड टू प्रोड्यूस क्वालिटी कम्पोस्ट इट इज़ वन ऑफ द इजिएस्ट ये एक बहुत ही इजी सरल सिंपल इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट मैथड टू रिसाइकिल एग्रीकल्चरल बेस्ड एंड टू प्रोड्यूस क्वालिटी कम्पोस्ट एग्रीकल्चर बेस्ड में चाहे हमारा पशुओं का गोबर हो गाय का गोबर भैंस का गोबर बकरी का गोबर चाहे वो डेड ड्राई स्टेबल्स हो, रेजिड हो, या जो मुर्गियों के नीचे जो हम बिछावन डालते हैं डीप लेटर सिस्टम वगैरह में वो हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी वेस्ट हो जिसको हम ईजिली डीकम्पोज कर सकें आपको इसमें प्लास्टिक वगैरह नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो नॉन डिकम्पोजिंग है उसको हम डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे वो चीजें जो बेस्ट से बेस्ट से रिलेटेड हो चाहे वो एनिमल बेस्ट हो चाहे वो ह्यूमन बेस्ट हो चाहे वो किसी भी प्लांट का कोई पार्ट हो या कोई रेजिड्यू हो या कोई स्टबल हो या कोई वेजिटेटिव कवर हो रूट सूट लीप स्टेम इन फ्लावर फ्रूट कुछ भी हो जिसको हम ईजिली डिग्रेडेट कर दें जिसको हम इजीली सिंथेसाइज कर लें जिसको हम डिकम्पोज कर लें उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं रिशाइकिल करने में उससे हम क्वालिटी कंपोस्ट को पैदा कर सकते हैं क्वालिटी कंपोस्ट को हम पैदा कर सकते हैं। इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि जो चीज हम भी इस्तेमाल करें वो डिकम्पोज होनी ही चाहिए अगर वो डिकम्पोज नहीं होती है तो फिर उसमें टर्माइट अपना इन्फेस्टेशन स्टार्ट कर देती है टर्माइट जो नॉन डिकम्पोजिंग चीजें होती हैं ऐसी कंडीशंस में वो टर्माइट जो होती है वो टर्माइट आपके अर्थवाम्स को किल करने लगती है तो यहाँ पर हमारी प्रोसेस सक्सेस न होके पूरी खत्म हो जाती है तो इस चीज़ का भी हमको बहुत ध्यान रखना है कि बर्मी कंपोस्टिंग यूनिट में किसी भी तरीके का इंसेक्ट और पेस्ट का इन्फेस्टेशन नहीं होना चाहिए स्पेशली टर्माइट का तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए हम ऐसे इंग्रेडिएंट उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि इजली डिकम्पोज करने वाले अब है कि अर्थवॉर्म्स कंज्यूम बायोमास एंड एक्सक्रीट इट इन डाइजेस्टेड फ्रॉम कॉल्ड वर्म कास्ट अर्थवॉर्म्स कंज्यूम जो कैचू होते हैं वो कंज्यूम करते हैं बायोमास को एंड एक्सक्रीट और उसको एक तरीके से निकालते हैं इट इन डाइजेस्टेड फॉर्म उसको पचे हुए पदार्थ के रूप में निकाल देते हैं उसको हम बर्म कास्ट बोलते हैं बर्म कास्ट फिर से इस लाइन को समझो कि अर्थबॉम्स जो कैचुए होते हैं चाहे आपका इसेनिया फर्टीडा हो चाहे आपका इड्रुलस यूजैनी हो चाहे आपका पेरियोनिक्स एग्जेटस हो ये कुछ स्पीसीज आगे आपको देखने को मिलेंगी यही स्पीसीज ज्यादातर आपकी बर्मी कंपोस्टिंग में इस्तेमाल की जाती है तो अर्थवॉम्स कंज्यूम अर्थवॉर्म्स कंज्यूम बायोमास एंड एक्सक्रीट इट इन डाइजेस्टेड फॉर्म कॉल्ड वर्म कास्ट वर्म कास्ट आर पॉपुलरली कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड जो वर्म कास्ट होता है उसको हम काला सोना ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं ब्लैक गोल्ड द कास्ट आर रिच इन न्यूट्रिय जिसको हम ब्लैक गोल्ड काला सोना के रूप में भी बोलते हैं बर्म कास्ट वो न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज्यादा धनी होता है रिच इन न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ प्रोमोटिंग सबस्टेंसेस जो आपके वायोरेगुलेटर्स होते हैं ग्रोथ प्रोमोटिंग सबस्टेंसेस उसमें भी ये बहुत ज्यादा कारगर होता है बेनिफिशियल सॉयल माइक्रोफ्लोरा बेनिफिशियल सॉइल माइक्रोफ्लोरा एंड हैबिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इनहिप्टेनिक माइक्रोब्स उसमें माइक्रोफ्लोरा एंड फोना की भी जो है ज़्यादा मात्रा पाई जाती है एंड हैबिंग प्रॉपर्टीज उसमें अब गुण विद्यमान होते हैं वो प्रॉपर्टीज उसमें होती हैं जो कि पैथोजेनिक माइक्रोब्स जो होते हैं उनको किल कर सके उसको इनहिप्ट कर सके तो ये बर्मी कंपोस्ट में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की है